हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे और मेरा नाम है वैशाली। और फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है पिकअप का रीडिंग है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बात आपसे करना चाहती हैं। एंड आई नो फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि मैं इतने टाइम से कहाँ गायब हूँ। सो द थिंग इज़ दैट आई एम फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ इन माई लाइफ राइट नाउ। एंड ये चीज़ें लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी अराउंड अक्टूबर, एंड आई गेस मैंने आप लोगों से इस बारे में बातचीत भी करी थी। सो द थिंग इज़, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी का, सो आई एम गोइंग थ्रू राहू की महादशा एंड शनि की अंतरदशा, जिस वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑल दो मेरे भाई की भी शादी थी तो मैं उस पर भी थोड़ा बिजी थी, बट इवन राइट नाउ आई एम कोविड पॉजिटिव, बट स्टिल डीप डाउन आई जस्ट फेल दिस थिंग कि मुझे एक रीडिंग बनानी चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम हेयर। एंड अगर आप रेगुलरली रीडिंग सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मैं फिर भी काफ़ी यू नो एक्टिव रहती हूँ। सो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड ये हमारे तीन पायल हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं आप पायल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है। अगेन, पूरी रीडिंग देखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 चूज़ किया है या ये वाला कार्ड चूज़ किया है, येलो वाला क्लिप चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो कुछ कार्ड जो है वो मैंने पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं, अगर मुझे नीड लगेगी तो डेफिनेटली मैं और टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ओरेकल कार्ड से। तो फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास है वो है चेंज, देन वी हैव सिक्योरिटी, वी ऑल्सो हैव द कार्ड लेट गो। तो मैं क्लिप जो है वो यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है शाओलिन मास्टर, जहाँ पे लिखा है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। देन वी हैव दिस कार्ड द वर्ल्ड। वाओ, आई रियली लव दिस कार्ड्स, ये टैरो कार्ड सच में बहुत सुंदर है एंड आई जस्ट लव इट। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे पॉइज्ड। वाओ, कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स मुझे पायल नंबर 1 बताते हैं बहुत स्ट्रांगली, एक इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है। आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि बहुत ही स्टेबल कनेक्शन होगा। वो पर्सन बहुत इमोशनली अंडरस्टैंडिंग पर्सन होंगे जो आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। बाकी लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कार्ड्स के अंदर, अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं भी है तो आपकी लाइफ में एक चेंज जो है ना वो आने वाला है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि हो सकता है कि आप लोग किसी एक साइकिल में फंसे हुए हैं, किसी कार्मिक साइकिल में। जैसे कि होता है ना कि कोई एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रही है, पता है कि कुछ गलत हो रहा है और वो बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बट अब चाह के भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस तरीके की यहाँ पे मुझे एक एनर्जी जो है आपके लिए दिख रही है। एंड यहाँ पे कार्ड आया है लेट गो। सो फ्रेंड्स, लेट गो का कार्ड जो है वो यहाँ पे बात करता है कि शायद आपकी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको आपकी एंजल्स आपको ये बताना चाहती है कि अब एक टाइम आ चुका है दैट यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन। आपको अपनी सोच में, दुनिया को देखने के नज़रिए में कुछ ना कुछ चेंज जो है वो लाना पड़ेगा, जो कि बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। बट अगेन, घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करना होगा, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम टैरो रीडिंग देखते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं एंड कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि जो कि बहुत हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स का कहने का मतलब है, जो एंजल्स आपको बताना चाहती हैं, वो सिर्फ इतना बताना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। अगर आप अभी स्टक महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग नहीं आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसमें स्ट्रेस लेने की बात बिल्कुल नहीं है। रीज़न बीइंग फॉर दैट कि कुछ चेंज है जो आपको नहीं दिख रहा, बट उनको पता है बिकॉज उनको वो चेंज दिख रहा है जो कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे सन दिख रहा है मुझे, जो कि बताता है डेफिनेटली आप किसी डार्कनेस से बाहर आके एक सन की तरफ आ रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, करियर को लेके, लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके,
जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी का जो कार्ड है ना फ्रेंड्स, वो मुझे बताता है अगेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग स्टेबल। आप किसी स्टेबल चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपना नया घर खरीदने वाले हैं, कुछ लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, मतलब कि करियर में कुछ अच्छी जॉब मिलने वाली है, या ऐसी जॉब होगी जो कि स्टेबल होगी, ऐसा काम होगा जो कि स्थिर होगा, वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, या फिर ऐसा रिलेशनशिप आने वाला है जो आपके लिए बिल्कुल सही है, जो सिर्फ आपके लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है पॉइस्ड। सो मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, या तो उस वजह से, या आपकी एक होप, एक आशा जो होती है ना चीज़ों को लेके कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो चीज़ आपकी कम होती ही मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड जो है वो बात करता है, कहीं ना कहीं दो चीज़ें मुझे दिख रही है। पहली चीज़, enjoy your present moment, अपने अभी के समय को, टाइम को enjoy करें, क्योंकि ये वापस कभी नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, be confident about yourself। जितना ज़्यादा आप अपने आप को लेके confident होंगे, and देखिए कोई बचपन से ना ये चीज़ सीख के नहीं आता, confidence जो होता है ये खुद से सीखा जाता है, खुद से लाया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई रियली फील कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जब आपको अपने आप को ज़बरदस्ती कॉन्फिडेंट फील कराना पड़ता है। आप दो चार दिन ऐसा फील कराओगे, ट्रस्ट मी, फिफ्थ डे से आपको खुद से महसूस होने लग जाएगा कि नहीं, आप में बहुत अच्छी खूबियाँ हैं, आप में बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, एंड यू शुड बी प्राउड अबाउट योर सेल्फ। आपको उसको लेके गर्व होना चाहिए। यही कार्ड जो है उस बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। आपकी एंजल्स आपको यही कहना चाहती है कि कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में तभी आ पाएगी जब आप फील करोगे कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आ रही है। इट्स जस्ट कि आप बहुत नेगेटिव हो रखे हो, थिंकिंग आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है, जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो ब्लॉक हो गई है। मीन्स आपके अंदर जो शक्ति है, जो एनर्जी है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, अपने सपनों को पूरा करने की, वो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिव सोच लेके बैठे हैं कि शायद ये काम हो ही नहीं पाएगा, या मेरी किस्मत में है ही नहीं ये चीज़, मैं शायद ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती। बट डेफिनेटली कुछ स्ट्रांग चीज़ आपको लाइफ में मिलने वाली है, चाहे ये किसी भी फील्ड में हो। द कार्ड ऑफ द शाओलिन मास्टर, इट टॉक्स अबाउट बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट, मूवमेंट एंड एक्शन। ये कार्ड जो है वो मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपको इस टाइम बहुत ज़रूरत है कि आप लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करें, इमोशनली और मेंटली बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है, और हेल्थ पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप इमोशनली और मेंटली बैलेंस्ड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उतनी ही डिले होंगी। तो ये कार्ड अगेन मुझे बात करता है, घर वालों से अच्छे रिश्ते बना के रखिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में परेशान होते हैं तो उसका गुस्सा किसी और पर्सन पर निकल जाता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों पर वर्क करें। आई एम रियली सॉरी, अगर ऐसा नहीं है तो ये कार्ड जो है वो बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने के लिए, एंड इंट्यूशन पर ही फोकस करने के लिए, ना कि दूसरे लोगों की बातों में आके कोई डिसीजन लेने के लिए। सो चलिए मैं दो कार्ड आप लोगों के लिए और निकालती हूँ। एक लव कार्ड निकाल लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए ये कोई लव सिचुएशन है, बिकॉज आई रियली फील जो भी ये लव के लिए देख रहे हैं, यू गाइज आर गोइंग थ्रू सम हीलिंग, आप किसी हीलिंग से गुजर रहे हैं, एंड आपकी रिलेशनशिप में एक चेंज आने वाला है। जिस तरीके के आप लोगों को पहले डेट करते थे, हो सकता है कि जो नेक्स्ट पर्सन आए वो टोटली डिफरेंट हो उन लोगों से, एंड इसी वजह से कुछ डिलेज आ रहे हैं, इसी वजह से कुछ चेंज जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। सो वी हैव दिस कार्ड, बैक टू व्हाट यू लव, वाओ, री इवेलुएट योर डिजायर्स। मे बी जो भी अभी डिले हो रहे हैं, जो भी अभी रुकावटें आ रही हैं, काम धीरे चल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप वापस से सोचें और समझें कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं या जिस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है, क्या आप वो दिल से करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेके एक्चुअल में पैशनेट हैं, या जस्ट बिकॉज की सोसाइटी में वो चीज़ है, या आपके पेरेंट्स या फैमिली फोर्स कर रही है इसलिए करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट लविंग योर सेल्फ। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, बेशक आप करियर में इश्यूज आ रहे हैं आपके, या फिर लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। सो जस्ट लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस। इट
इट्स अप टू यू. वाओ, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट अगेन सेम थिंग जो मैंने आपको बताई है कि आपकी विशेज जो है वो डेफिनेटली पूरी होंगी, बट फर्स्ट आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी भगवान, अल्लाह, यूनिवर्स तब तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक हम खुद की अपनी हेल्प नहीं करते हैं. तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने लिए एफर्ट लेने पड़ेंगे, अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा. आप चाहें तो उसके लिए आप पॉजिटिव रीडिंग्स देख सकते हैं, टैरो रीडिंग्स, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, बिकॉज म्यूज़िक कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है हीलिंग में. तो ये कार्ड जो है मुझे आपके लिए यही मैसेज दे रहा है, यही संदेश दे रहा है. सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा. आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग आप ओपन है. आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रीडिंग बुक करा सकते हैं, एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप वीकली टैरो रीडिंग्स देखना चाहते हैं या गाइडेंस के लिए मैसेजेस देखना चाहते हैं. तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. हेलो पायल नंबर टू, तो जिन भी लोगों ने ये पिंक कलर की क्लिप चूज़ करी है या पायल नंबर टू चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं. तो कुछ कार्ड्स जो है वो मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं फ्रेंड्स, एंड कुछ कार्ड्स अगर मुझे नीड लगी तो मैं डेफिनेटली आपके सामने निकालूंगी. तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे है फॉरगिवनेस. वाओ, आई लव दीज कार्ड्स. इन कार्ड्स पे जो भी ड्राइंग है या जो भी ये पिक्चर्स है ना, ट्रस्ट मी, बहुत ही डीपर मीनिंग्स होते हैं इनके. वी हैव दिस कार्ड इनर पीस एंड थ्राइविंग, ये क्लिप मैं यहाँ पे रख रही हूँ. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, जस्ट लव इट. फिर आया है हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स. उसके बाद हमारे पास है स्नेक, शेड ओल्ड स्किन. एंड हमारे पास यहाँ पे दो और कार्ड है, तो मैं थोड़ा सा जूम बंद कर देती हूँ सो दैट आपको कार्ड दिखाई दे जाए. देयर इज समथिंग बेटर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ट्रस्ट. वाओ, ओके. सो सबसे पहले जो हम शुरुआत यहाँ पे करेंगे, मैं इस कार्ड से करना चाहूँगी, स्नेक, शेड ओल्ड स्किन. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ये रीडिंग मुझे थोड़ी सी स्पेसिफिक लग रही है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी से मैच नहीं करेगी, रेजोनेट नहीं करेगी. तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं या कोई और वीडियो देख सकते हैं. सो ये कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पे बताता है कि आप लोग जो है ना, पायल नंबर टू, अगेन यू गाइज आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्रोथ हो रही है. मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली, अभी कुछ कुछ टाइम पहले ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कोई लाइफ लेसन आपको मिला है जो या तो काफ़ी पेनफुल रहा है, दर्द भरा रहा है, या आप उससे कहीं ना कहीं अभी तक आप बाहर नहीं आ पाए हैं, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आप चाहते नहीं थे कि वो हो, बट वो हुई, जो मुझे कार्ड यहाँ पे इंट्यूटिवली दिखा रहा है. एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है यहाँ पे कि वो एक डिवाइन रीज़न था, यूनिवर्स कुछ लेसन देना चाहती थी उस एक्सपीरियंस से आपको, एंड इस वजह से वो चीज़ यहाँ पर हुई है. अगेन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हुआ है आपका भी रिसेंटली या कुछ टाइम पहले, अभी भी आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ऐसे लेसन दे रही है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दे रही है जहाँ से आप ये सीख सको कि आपको अब उस पर्सन को माफ़ करके, अपने आप को माफ़ करके अब लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि किसी ना किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है. हो सकता है कि आपका कुछ पास्ट का, बचपन का, कुछ इनर चाइल्ड का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इश्यू हो सकता है कि पास्ट में आपकी या तो अपने फादर से नहीं बनती थी या मदर से नहीं बनती थी, वो चीज़ें आप अभी भी अपने मन में दबा के बैठे हैं, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या फिर जॉब वगैरह में भी आपको किसी न किसी से आपकी अनबन हो जाती है, बातचीत नहीं बनती है. तो कहीं ना कहीं आपको किसी को माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पायल टू जो मुझे यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है. बिकॉज आई रियली फील कि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे ना, तो वी हैव दिस कार्ड इनर पीस. आपको इस इनर पीस की, इस अंतर मन की शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये तभी आएगी जब आप अपनी पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल के आओगे. बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही रहने दो, बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं
हम एनर्जेटिकली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में होल्ड करके रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आनी होगी, सपोज कोई नया पर्सन आना है या कोई नई जॉब आनी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आनी है, तो वो नहीं आ पाती, क्योंकि जब तक आप पास्ट को रिलीज नहीं करोगे तो नई चीज़ नहीं आ पाएगी। एंड अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है। हो सकता है या तो जगह चेंज हो गई है या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट आपको आपकी कंफर्ट से बाहर आना पड़ रहा है। कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें करना पड़ रही हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, बट अगेन करनी पड़ रही है। बट आई रियली फील कि जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन टू योर लाइफ, यहाँ पे कार्ड आया है देयर इज़ समथिंग बेटर। अगेन चाह की भी मुझे करियर से ज़्यादा एक रिलेशनशिप की रीडिंग दिख रही है फ्रेंड्स, तो अगर आप रिलेशनशिप के लिए ही देख रहे हैं तो डेफिनेटली देखिएगा, बिकॉज बहुत स्ट्रांग मैसेजेस हैं यहाँ पे। देयर इज़ समथिंग बेटर, डेफिनेटली आपके लिए कोई बेटर पर्सन है इन फ्यूचर। मुझे कुछ लोगों का लगता है या तो आप डिवोर्स से गुजरे हैं, पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है बहुत बड़ा, शादी की बातचीत चल रही थी, बातचीत नहीं बनी है, कुछ ना कुछ स्ट्रांग चीज़ दिख रही है, या बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप था, आपको लगा था कि फ्यूचर होगा लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई। हो सकता है उस पर्सन ने या तो आपको चीट किया है या फिर आपने नहीं सोचा था कि वो आपके लिए कुछ भी फील नहीं करते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ सोचा नहीं था बट वो हो गया। बट द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू ओवर हियर, जो कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर है, आपकी एंजल्स आपको बताना चाहते हैं दैट यू विल हैव द सोलमेट कनेक्शन विद समवन। आपका किसी ना किसी के साथ एक स्ट्रांग सोलमेट कनेक्शन होगा, बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। अगर करियर के उससे मैं देखूँ तो मुझे दिखता है कि आपको आप जो दिल से जो पैशन है ना, वो चीज़ आपको लाइफ में मिलेगी। बहुत जल्द आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अपने करियर के अंदर, वर्क के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर। एंड मुझे यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है जो कि कार्ड बताता है डोंट स्टॉप, हार मत मानो अपनी लाइफ के अंदर, आप बहुत स्ट्रांग लोग हो। पाइल नंबर टू, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है बट स्टिल अभी आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ है और देखने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट अभी हार मत मानो, बिकॉज अगर आप अभी हार मान जाओगे ना तो ये जो चीज़ें जो है ना, जो आप डिज़र्व करते हो लाइफ में, वो आपको मिल नहीं पाएगी। एंड दूसरे लोगों की वजह से ना अपने आप को पनिश मत करो कि किसी ने आपके साथ लाइफ में बुरा किया है तो मैं अब लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगा या आगे नहीं बढ़ूंगी, अब मैं किसी लव रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, अब मैं इस तरीके का काम नहीं करूंगा या काम नहीं करूंगी। ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ट्रस्ट। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक निराशा बहुत दिखाई दे रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट बहुत फील हो रही है। ट्रस्ट का कार्ड जो है वो मुझे बात करता है कि ट्रस्ट करिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी फेवर के लिए ही हो रहा है, आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये कार्ड ना बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि आपके कोई पूर्वज, आपकी कोई एंसेस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई और पर्सन हो सकते हैं, वो आपकी स्पिरिट गाइड है जो कि आपके साथ बहुत क्लोजली वर्क कर रही है, आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी स्पिरिट गाइड जो भी है। तो अगर आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं ना या किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो ये एक तरीके से मैसेज है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी नेगेटिव चीज़ से। आई एम रियली सॉरी अगर पीछे से आपको डॉग्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड अगेन बात करता है कि कुछ बहुत अमेजिंग गिफ्ट है, कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ है जो आपके लिए लाइफ में आने वाली है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस की यहाँ पे ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे 6 महीने, कुछ लोगों के लिए 2 ईयर्स 2 मंथ्स बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहे हैं यहाँ पे। बैक टू वॉट यू लव, वाओ। सो पाइल नंबर टू, अगर आपको एक बार फील हो ना कि आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप डेफिनेटली देखिएगा। ओके, सो वी हैव द कार्ड एम्ब्रेस योर इमोशंस, वाओ, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। ये कार्ड जो है वो आपकी फॉरगिवनेस वाले कार्ड से बहुत मैच करता है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो बात करता है कि अपनी भावनाओं को समझो और उनको एक्सेप्ट करो। अपने इमोशंस को, अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। एंड बैक टू व्हाट यू लव का कार्ड मुझे अगेन बताता है फोकसिंग ऑन योर ओन लाइफ। अगर आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये कार्ड जो है बात करता है कि अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें।
बिकॉज आपके लिए अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी इनर पीस, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। और जो लव है ना, वो आपके लाइफ में अपने आप ही आ जाएगा, चाहे पास्ट लवर हो चाहे न्यू लवर हो, वो लव तभी आएगा जब आप अंदर से शांत होंगे, अंदर से खुश होंगे। सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से मैच करती हो, रेजोनेट करती हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। एंड पर्सनल रीडिंग ओपन हो चुकी है, तो अगर आप कुछ और इसमें डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वीकली और बाकी टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो पाइल नंबर 3, तो ये वाला जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए है। सो बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग लेट मी प्ले सम म्यूजिक फॉर माई सेल्फ, सो दैट मुझे आपकी रीडिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे। सो लेट मी सी योर कार्ड। तो कुछ कार्ड मैंने आपके पहले निकाल के रखे हैं और कुछ कार्ड अभी हम निकालेंगे अगर मुझे नीड फील होती है तो। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखें। ओके, वाओ, वी हैव हैप्पीनेस, हीलिंग, केयर्स एंड वी हैव द कार्ड सक्सेस। तो मैं कार्ड यहाँ पे लगा लेती हूँ, फटाफट से ये वाले कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो रहा है तो बहुत जल्दी उसमें इम्प्रूवमेंट आने वाली है आपकी हेल्थ में। देन वी हैव द कार्ड वेट, जो हम अभी देखेंगे कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। वी ऑल्सो हैव द कार्ड 10 of Wands और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ऑफर्ड। ओके, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कार्ड दिखता है 10 of Wands का। 10 of Wands का कार्ड जो है मुझे बताता है बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा, या फिर बर्डन फील हो रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि एज निकलती जा रही है, एज के हिसाब से जो चीज़ होनी थी वो हो नहीं रही है, इस तरीके की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। आप में से कुछ लोग या तो घर जाना चाहते हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, या किसी सिटी में या किसी कंट्री में मूव करना चाहते हैं, वो काम आपका बन नहीं रहा है, कॉलेज में किसी में एडमिशन चाहिए था वो चीज़ नहीं हो पा रही, एक फ्रस्ट्रेशन ना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। ऑफन का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है फीलिंग अलोन, अकेला महसूस करना कि कोई नहीं है गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए, समझ नहीं आ रहा क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़रूरत है कि आप रिलैक्स हो जाएं, पाइल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे आपकी फीलिंग से लग रहा है, बिकॉज आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं एंड उस वजह से जो हम डिसीजन लेते हैं उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बिकॉज उस टाइम हम बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सिप सम वाटर। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हीलिंग केयर्स का कार्ड आया है। सो हीलिंग केयर्स का कार्ड मुझे बहुत सटीक तरीके से एक चीज़ दिखा रहा है कि आपको ना ऐसा फील हो रहा है लाइफ में जैसे कि दिमाग में ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है एक बवंडर सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कि होता है ना कि अंधेरा सा, एक रास्ता नहीं दिख रहा क्लियर यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे कार्ड में लग रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं जो कि बात करते हैं कि ये जो भी केयर्स हो रहा है ना, इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू हील, ये आपको लाइफ में किसी चीज़ में हील करने में हेल्प कर रहा है। पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना बहुत क्रिएटिव हो, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, लेकिन कहीं ना आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है कि आप दूसरों से कहीं ना कहीं बहुत कम हो या कुछ ना कुछ आप में कमी है। बट यहाँ पे जो बाकी के कार्ड्स हैं वो मुझे बताते हैं, यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड आया है एंड हैप्पीनेस का कार्ड मुझे बताता है कि एक नई दिशा में आप बढ़ रहे हो और डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ तो मुझे आती हुई दिख रही है एंड यहाँ पे सक्सेस है। तो पाइल नंबर 3, जो भी लोग पाइल नंबर 3 ये वीडियो देख रहे हैं ना, एंड इनमें से अगर कुछ भी चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, ट्रस्ट मी, आप लोगों का कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ पर्पस है, एक आपका कुछ लाइफ पर्पस है जिस वजह से आप इस प्लैनेट पे आए हो, और वो लाइफ पर्पस आपको पूरा करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस है आपका, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपको अभी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं
जो आपको इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं जहाँ आपका ये लाइफ पर्पस है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वेट का कार्ड है ना, वो मुझे बताता है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हो, जो आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको लाइफ में बहुत असर्टिव बना रही हैं। मतलब कि वो आपको सही और गलत की पहचान करा रही हैं, क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, कहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, कहाँ आपको अपने लिए बोलना चाहिए, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को आगे रखना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, बिकॉज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस यहाँ पे ज़रूर है। मैं थोड़े से टैरो कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, आप क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? वाओ, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉश। सो अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बात करता है कोई कार्मिक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, किसी कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए हो। हो सकता है या तो आपको पैसों की दिक्कत हो रही हो, बट अगर पैसों की दिक्कत नहीं भी है तो ये चीज़ बात करती है कि बिल्कुल ऐसे हार मान जाना, बिल्कुल थका हुआ सा महसूस करना कि नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, उस बारे में कार्ड यहाँ पे बात करता है। हो सकता है कि आपका कोई डियर वन जो है वो आपकी लाइफ से चला गया है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, एंड उस वजह से आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल हो सकता है, जिसे आप बहुत पसंद करते थे, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जो मुझे यहाँ पे कार्ड के थ्रू लग रहा है। पाइल नंबर 3 को यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? वाओ, वी हैव द फूल कार्ड। सो पाइल नंबर थ्री आपकी स्पिरिट गाइड्स आपसे बताना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। सो डेफिनेटली चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे एक बहुत हैप्पी सी एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक कनेक्शन, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पुराना ही आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो आपकी लाइफ में ना कुछ खुशखबरी लेके आने वाला है, कुछ हैप्पीनेस लेके आने वाला है, या आपकी लाइफ में एक लाइट हार्टेडनेस वाली ना एनर्जी लेके आने वाला है, जो कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है यहाँ पे आपके लिए। अगेन, अगर आप कोई हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट जो है वो आने वाली है। वाओ, ब्लेस्ड का कार्ड आया है पाइल नंबर 3। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, हीलिंग केओस एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड को, तो पहले तो नंबर 33 है और उसको भी हटा दें तो आप देखिए कि यहाँ पे एक चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो वही चेंजेस जो है वो आपके अंदर आ रहे हैं पाइल 3। एंड बहुत एक एनर्जी है कि पेशेंस रखिए, आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत लव दिखा रही हैं, आपसे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो आपसे बहुत लव करती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, एंड वो आपसे कहना चाहती हैं दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। सो लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू कि और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। वाओ, ट्रू लव एंड न्यू लव। आई गेस ये जितने भी रीडिंग्स आई है ये लव के लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू लव का कार्ड आया है। तो समवन न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ एंड ट्रू लव। जो लोग ये लव के लिए नहीं देख रहे, आई रियली रियली फील, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ना पाइल नंबर 3, ट्रस्ट मी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आने वाली है उस चीज़ के अंदर। एंड जो लोग ये करियर या लाइफ के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो देने वाले हैं। एक खुशखबरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ हो जाए, बहुत जल्द वो चीज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रही है पाइल नंबर 3 के लिए। सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। एंड आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पेड पर्सनल रीडिंग आप बिल्कुल करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वीकली और बाकी टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।